अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो मैं जी नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते भी क्या क्या मेरे पास है, चाय है, पानी पीती हूँ पहले, उसके बाद ही फ्राई ना थोड़ा सा फ्राई करके नान खाती हूँ। मुझे नान जो ना ऐसे खाना पसंद नहीं, कौन फ्राई नान करके खाता है, कौन एज इट इज़ ही खा देते हैं मंगवा के उसी तरह से। मुझे उस तरह से खाना बिल्कुल मज़े का नहीं लगता। मैं हमेशा नान फ्राई करके खाती हूँ, और साथ में ये हलीम और चने हैं, इनको मिक्स कॉम्बिनेशन करके खाती हूँ। मज़ा आता है बड़ा हलीम और चनों को मिक्स करके। तो ये मैं खाऊँगी अभी नाश्ता। ये पूरे दो नान मैंने नहीं खाने, मुझे दो नान भी नहीं है। अच्छा, मैं एक नान खाऊँगी, मैं डेली एक ही नान खाती हूँ, पता नहीं दो इन्होंने फ्राई कर दिया। खैर, ये खाने के बाद मैं थोड़ी देर तक एडिटिंग अपनी वीडियोज़ की करूँगी और छत पर चली जाऊँगी। उसके बाद असर टाइम तक मैं छत पे चल जाऊंगी। मिलते हैं फिर हम आपसे छत पे जाके इंशाल्लाह ताला। और आप बताएं आज का नाश्ता कैसा लगा मेरा आपको। और एक बाइट आप सबको मैं देना भूल ही गई थी, मेरी तरफ से एक वन बाइट तो लाजमी आपकी होती है भाई, जो जो मुझे देख रहा है। ये लीजिए और आज शस्ते मोमो का ड्रामा देखती है। देखो मेरा दिन जला था ना, ये उस टाइम नज़र नहीं आया था, लेकिन अब देखते हैं आपको मेरा नज़र आ रहा होगा। हाँ जी जी, मैं खाने लगी थी फांटा कुल्फी। ये कुल्फी जो है ना हमारे बचपन की सौगात है, और ये सौगात मेरे सामने खा रहे हैं। उसकी तो हर दफा होती है, कोई नहीं कुल्फी के मेरे कुल्फी पे हाथ मार दिए हैं भाई। ये दो नंबर कुल्फी नहीं है, दो नंबर वो चीज जो हम पार्क में चूस रहे हैं। मेरी काकी कुल्फी थी, बगनी काकी थी, काकी बूढ़ी सवार की कुल्फी पकड़ के आके ताई दे दो, तीले से पकड़ा कहते थे उठाओ, ठंडी लग रही है। ये देखिए उससे बच्चे ने उसकी कुल्फी पकड़ ली है। ताहिर ये क्या है? ताहिर जी का है काकी गंदे कबूतर हमारा। ये ले लो ये वाली ले लो, पकड़ी थे ऐसे जाती नहीं है, तीले से पकड़ी है। ताहिर तुम कितनी गंदी गंदी कुल्फी करती है, तुम्हें खाने के काबिल छोड़ी है। कुल्फी का तमाशा कर ताहिर, अब मैं खाने मैं नहीं खा सकती, वो ये बच्चा मेरी कुल्फी नहीं दे रहा, और उसका मुंह चेक करे। ताहिर इधर दे दो ना, गंदी कर दिया तुमने साड़ी। हाँ जी जी, मैं छत पे आ गई हूँ, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, थोड़ा सा मेट लू खिला रहा, ठीक है। ये देखिए मैं कल इसमें पानी डाल के गई थी, फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं आई नहीं इसको क्या कहते हैं शेप वगैरह बनाने। देखिए वाइट डेड पे सूख गई है, और जो मैंने कल क्रबरी की थी ना इसके अंदर, वो देखे उसने किनारे छोड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता ये ऐसे में टर्न करिए ना प्ले पॉट टूट जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। चले मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाते हैं और क्रमलिंग करते हैं थोड़ी सी। छत पे कोई आ गया, साथ छत पे कोई आ गया, मुझसे नहीं इसका क्रमलिंग होगी। तो आदमी है कोई, जब
लेकिन वाटर तो नहीं पड़े इसमें। पर बड़ा मजे का साउंड है। देखिए अब इसकी क्रमलिंग देख रहे हो, सॉफ्ट है ना। जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना रेड क्रीम की, इसको तकलीफ उठ जाएगी। रेड टाइम में भी बेस्ट करा देगी। ऐसा क्यों होता है? मज़े की लगी ना क्रमलिंग आपको इसकी? आ गए भाई, उनको तो गर्मी में भी नहीं सकूँ। चले हम काल मिट्टी की करते हैं जो कल कर वापसी टेक्सचर बचा होगा।
जबरदस्त कच्चर है, बड़ा जबरदस्त है। मुझे ना ये जो छोटे छोटे पीस होते ना उनको बहुत मज़ा आता है। मैं जब आपको ब्लॉग कह के कहती हूँ ना एंड कर चल छोड़ते हैं टेक्चर को, अगले टेक्चर में लगते हैं क्रमलिंग करने, तो मैं मसलन मोबाइल बंद करके भी ना इस तरह ही लगी रहती हूँ, इस तरह छोटे छोटे पीस ढूंढूँगी क्रबल करी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कहते हैं वो दूसरी टेक्स्चर की जाकर भी करूँ क्रबल। इधर बाइक रहती उधर लगी रहती हूँ। चलो मिलते हैं। अच्छा जी, हम करते हैं क्रम्बलिंग। मुझे नहीं पता आवाज़ आएगी कि नहीं, क्योंकि ना माइक इधर है और टब जो है पानी वाला इधर है। खैर हम ट्राई करते हैं साउंड आ सके, थोड़ा सा ना आगे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऑल राइट। उसमें वो जा रहा है पाउडर। टेक्सचर ओएमजी, बहुत प्यारी खुशबू है। चले मैं इस खिलाड़ी को जरा समेट लूँ। यार मैंने मड सैंड की वीडियो बनाई है, टेक्सचर तो ऐसे जैसे कोई फुल छोड़ भी ना हो गया, पानी ज़्यादा डाल दिया मैंने इसकी क्रमलिंग करते। जो मैंने इनके चंक्स निकाले थे ना कल, इसकी क्रमलिंग करते हैं। ये देखिए कितना स्टोनी है ये। वाओ
ये देखें, इतना अच्छा टेक्सचर है आफ्टर, और ये बना भी तो इतने टेक्सचर्स के साथ है ना, एक टेक्सचर थोड़ी है ये। मैं एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ पर वहाँ पर ना गंदों की सफाई हो रही है, ये देखें क्लोज अप देखें, मुझे का टेक्सचर है बहुत। ठहरे और चंक्स लाती हैं, या मैं इसके टाइटल लिखती हूँ ब्लैक ग्रिटी कॉन्क्रीट सैंड। तो ये ना ब्लैक कॉन्क्रीट सैंड इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में ना कॉन्क्रीट ऐड किया हुआ है, ब्लैक कॉन्क्रीट ऐड किया हुआ है, तो इसी वजह से मैं इस टेक्सचर को नहीं ब्लैक कहती, ये तो दिखने में ब्राउन है, डार्क ब्राउन, लेकिन जस्ट ऑफ इसके अंदर मैंने कॉन्क्रीट बहुत ब्लैक ऐड किया हुआ है इसलिए मैं इसको ब्लैक कॉन्क्रीट सैंड कहती हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा पानी डालते हैं फिर इसके अंदर क्रमलिंग करते हैं। ठीक है, मैं ना इसकी वो बना लूँ खड्डा। अच्छा ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया, ठीक है, हार्ट शेप में लग रहा है ना ये, मैं चंक से रखूँ ज़रा, वहाँ पे झाड़ू मारा जा रहा है तो उस वजह से मैं रुक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर झाड़ू की आवाज़ आ जाएगी अंदर। इसके अंदर हम क्रमलिंग करते हैं, इधर शोर बंद हो गया, पानी तो सारा इंतज़ार में ही जज़ब हो गया। चलो ये देखिए हार्ट शेप बन गई, इस वजह से हार्ट शेप ही देखें, डिपिंग करके कमिंग करते हैं एक चंक की। ठीक है, माइक थोड़ा करीब करके रखती हूँ। चलें जी करते हैं हम क्रिमलिंग, ये और चंक की हम पैकिंग करते हैं, वही हुए देख डब भी गया सारा। अब धूप चेक करें,
इतनी तेज है कि एक दिन में माशाल्लाह ट्रैक्टरों को डस्टी कर देती है। मैं आपको कॉन्क्रीट दिखाती हूँ जिसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है? ये देखिए मल्टी स्टोन ही डर्ट रखूँ या ब्लैक कॉन्क्रीट सैंड रखूँ, क्या रखूँ मुझे बता दें। आई डोंट नो यार, ये भी झाड़ू बनना बंद नहीं हो रहा। नहीं झाड़ू की बात नहीं, मुझे गवा रहा है ये झाड़ू के इंतज़ार में ना सारा टाइम निकल जाए। सासा निकालना चाहिए भाई साहब। मुझे आईफोन मिल जाए, मैं आईफोन से भी क्रिमिनल वीडियोस ही रिकॉर्ड करूँ। मुझे सैमसंग का कोई अच्छा सा मॉडल लेना तो है इंशाल्लाह, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है कि मैं ऐसा मोबाइल ले सकूँ, हो ही नहीं थी अभी इतना मेरे। जिनको वाटर पूल क्रमलिंग अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिनको वाइड आउट अच्छी लगी है क्रमलिंग वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताका ताका जाएं जिनको मुल्तानी मिट्टी वाली अच्छी लगी है मुल्तानी मिट्टी वाली करके जाएं सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगी तो क्रमलिंग वीडियो कह रही चलो मारी मैं चलो भाई इसको मैंने कर दिया क्रम्बल। चल इसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है? ये है येलो ग्रिटी सैंड है, इसको मैं क्रम्बल करने लगी हूँ। येलो लग ही नहीं रहा है अभी, ये
में आधे छोड़े इस टेक्सचर को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सैंड मिलाऊंगी। सॉफ्ट है बट थोड़ा क्रीमी है ना बहुत ज़्यादा, इसमें क्रीमीनेस बहुत है टेक्सचर की, डिस्कर्ड जो होता है उससे प्रोडक्ट है ना जुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बाइंड हो जाता है। मज़ा नहीं आता है इसके हार्ड हो तो मैं ज़रा सा सॉफ्ट कर लूँ ज़रा। चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। चलिए भाई आज हम फिर गोलगप्पे खाएंगे, ठीक है। चले तो ये सब आप सबके लिए, ठीक है।